मेरे पास ठेंगा मिला है। म्याऊ। ठेंगा मिला है। म्याऊ। खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला। ठेंगा मिला है, चुनौती दे रहे, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद। म्याऊ। बताओ ईडी आकर के प्रेस रिलीज दे रही है, हम तो बोले पंचनामा होगा ना, मेरे पास है। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, आप क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फोन आ जाएगा तो चले जाएंगे, बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज चलता रहे। और हम लोग तो जानते ही ये लोग करते ही रहेंगे। आप कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं भाई? उन्होंने ट्वीट किया था, सुन लो, सुनिए ना, 600 करोड़ से पहले 8000 करोड़ का हिसाब तो दे दें। 2017 में सेम इसी तरीके से स्टाइल में इन लोगों ने किया था। 8000 करोड़ का क्या हुआ? कुछ नहीं है। लोग कह रहे थे कि मेरे यहाँ मेरे पास से कितना खजाना मिला है, ठेंगा मिला है, चुनौती दे रहे हैं, मेरे पास से ठेंगा मिला है, सीजर लिस्ट जो है जारी करें या हम जारी कर देते हैं। ये प्रचार, झूठा प्रचार इस तरह से कर रहे हैं जैसे पता नहीं असल अदानी हम ही हैं। मतलब सीबीआई ईडी या तो कंफ्यूज हो गई है, मेरा शकल अदानी जी से मिलता है क्या? 80000 करोड़ का घोटाला छोड़ कर के इतने साल से हर बार हर 2-4 दिन बाद रेड मारते हैं, उनको मेरे यहाँ से मेरे पास से ठेंगा मिलता है और न्यूज़ में वो तो एक प्लांटेड खबर है। बताओ ईडी आकर के प्रेस रिलीज दे रही है, हम तो बोले पंचनामा होगा ना, मेरे पास है। और हमने ट्वीट भी करके बोला है कि जारी करो पंचनामा, नहीं तो हम जारी कर देंगे। वही पुरानी चीज़ें, रेलवे रेलवे, अरे रेलवे रेलवे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास कोई अलग कहानी नहीं है। ये लोग पहले बेनामी बोलते थे, बेनामी एक बार भी नहीं बोल रहे, क्यों भैया? बेनामी के सारे मुकदमे हमसे तो ख़त्म हो गए क्या? ये सीबीआई वाले ईडी वाले आए यार, आधे घंटे में काम इनका ख़त्म हो गया, बाकी सारा टाइम ही बैठे रहे। हम लोगों ने चाय पिलाया, खाना खिलाया, बैठे रहे। हम बोले अब हो गया, पूरा घर देख लिया, सब कुछ देख लिया, जगह देख लिया, आप क्यों नहीं जा रहे? तो ऊपर से फ़ोन आ जाएगा तो चले जाएंगे, बैठने के लिए कहा गया ताकि न्यूज़ चलता रहे। अब आप बताइए, ये स्थिति है, अब इस पर हम क्या कहें? न्यूज़ लोगों, कुछ लोग तो अलग ही हेडलाइन चलाते हैं, अदानी हम ही हैं क्या? हाँ, 80000 करोड़ का हमको लग रहा है देश के अदानी तो हम ही हो गए। सबसे ज़्यादा रेड हमारे परिवार में आज तक पड़ा होगा हिंदुस्तान के इतिहास में, सारी एजेंसियाँ हमारे पीछे लगी होगी। 80000 करोड़ वाला, ड्रग्स वाला, सब गायब हो गया, भाजपा के यहाँ कोई नहीं जाता। तो इसलिए हमने पहले भी कहा था, असल में बौखलाहट जो यहाँ हम लोगों ने चुनौती दी पूर्णिया में, और भीड़ देख के जब पगला गई भाजपा, उसी टाइम सरेंडर कर दी, कर दे दीजिए। पहले का क्या हुआ, लड़े हम, जीते कई मुकदमा। अब हर चीज़ ये सब बताने की चीज़ें थोड़ी ना होती हैं। हम लोग चाहते अपना काम जो है बिहार की सेवा करें, बिहार के उत्थान के लिए काम करें, और यहाँ हम लोगों को ये लोग चाहता है कि डाइवर्ट करें। अभी भाजपा ये सब चिल्ला रहा है, ज़रा पूछेगा ये लोग माफ़ी मांगेगा जो भ्रामक न्यूज़ चलाया था तमिलनाडु वाला, क्या हुआ? जो हम बोले वो सच था कि नहीं था, निकला कि नहीं निकला सच? ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म। शर्म है या कोई नाम कोई है इन लोगों पे? और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही हैं ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद। म्याऊ।